हेलो सर, हमारे भाई साहब मरने के बाद भी मेरे बंगले पे कब्जा किए हुए हैं। आप घबराइए मत, आपके भाई को यूं चुटकी में पकड़ लूंगा। दिस इज प्यारी द ग्रेट, भूतों को भगाने में सबसे बेस्ट। मेरा भाई जो आज से 5 साल पहले परलोक सिधार चुका है, वो आज भी मुझे परेशान कर रहा है। अब आप है ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके भाई को बोतल में बंद कर देता हूँ। कोर्ट जब पड़ेगा थप्पड़ तो बोलेगा लप्पड़, ये भूत भगाने वाला प्यारे अब तक आया क्यों नहीं? गर्दन अकड़ जाएगी यहां तो। जब पड़ेगा थप्पड़ तो बोलेगा लप्पड़, लप्पड़ शर्मा तैयार। ओहो, टाई पहनना तो भूल ही गया। टाई मेरी टाई कहाँ गई, कहाँ गई मेरी टाई? मेरी टाई जहां भी हो आ जा मेरे पास। जब पड़ेगा थप्पड़ तो बोलेगा लप्पड़, कौन है तू? मैं भूत, भूत और हूं। इसके कान पे रखता हूं इसको। क्यों डर गया ना? हाँ बोला था तेरे को अकेले मत लड़, इंडिपेंडेंट केस लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट केस लड़ूंगा। लड़ लिया? अरे मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट बन जा, मैं तेरे को रख लूंगा, वरना पागल हो जाएगा तू। पागल? अरे पागल मैं नहीं, पागल तो तू हो जाएगा जब तू वो देखेगा जो मैंने देखा है। क्या देखा? जो पता है मैं अभी अभी देख के आया हूँ कि तेरा क्लाइंट गुदगुदी शर्मा भूत है। भूत? झूठ मत बोल। मैंने अभी अभी देखा कि तेरा क्लाइंट लप्पड़ शर्मा भूत है और मैं उसको बोतल में बंद कर दूंगा। अरे बोतल में बंद इंसानों को नहीं भूतों को किया जाता है, और तेरा क्लाइंट गुदगुदी शर्मा भूत है, उसे मैं बोतल के अंदर बंद करके रहूंगा और साबित कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। तो मेरा भी चैलेंज है, मैं साबित कर दूंगा कि तेरा क्लाइंट लप्पड़ शर्मा भूत है। मेरी सी, आप आ गई, मेरा उत्साह बढ़ाने आ गई आप। मेरी जी कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, तो प्लीज इनकी गलतफहमी दूर कीजिए, उन्हें बताइए कि आप यहाँ मेरे लिए आई है। मेरी जी वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक्चुअली तुम दोनों ये तो चिट छोड़ के गए थे ना सर के पास, तो उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि तुम दोनों एक ही एड्रेस पे आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जाओ और जाके दोनों की हेल्प करो। यू चीट पढ़ पढ़ कर आप यहाँ तक आई सिर्फ मेरे लिए? हाँ तो स्वीट ऑफ यू मेरी जी। वैसे अब आप यहाँ आ ही गई है तो जरा इसका थोड़ा सा भला कीजिए, इसे कह दीजिए कि ये केस छोड़ दे। मैं क्यों केस छोड़ू? तू केस छोड़ दे। मेरी जी इसको बोलिए केस छोड़े।
क्योंकि ये एक गुदगुदी शर्मा नाम के इंसान के खिलाफ केस लड़ रहा है जो कि मेरा क्लाइंट है। ये एक इंसान के खिलाफ लड़ रहा है यानी लप्पड़ शर्मा के खिलाफ जो कि मेरा क्लाइंट है। इसे ना इंसान और भूत के बीच का फर्क ही समझ में नहीं आता। तुझे फर्क समझ में नहीं आता? क्या हो रहा है वो मेरी जी? अभी आपने बोला ना कि खड़े खड़े बहस मत करो, तो बैठे बैठे कर रहे। प्यारे, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर कि जाओ और पता करो कि भूत कौन है, असली भूत। हाँ सॉरी। तो खड़े हो जाओ। हाँ तो जाओ और मेरी हेल्प की जरूरत लगे तो बता देना मुझे, यही हूँ मैं। गुड आइडिया मैरी जी। मिनट मैरी जी, आप यहाँ रुकेंगे अकेले तो आप डर जाएंगे। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। हाँ ओके चलो। चलो रुकिए, एक मिनट मेरी जी, आप भला क्यों डरेंगी? आप तो कितनी बहादुर है, डरपोक तो प्रीतम है। और अगर आपको डर लग भी गया तो हाँ, इस प्रीतम के पास एंटी भूत स्प्रे है, वो आपको देगा ना। हाँ, फिर भूतों से आप क्यों डरेंगे, भूत आपसे डरेंगे, है ना? हाँ गुड आइडिया प्यारे, तो मैं यही रुकती हूँ। वेल थैंक यू। स्प्रे? सॉरी। सॉरी बोल रहा है, नहीं दे रहा है स्प्रे आपको मेरी जी, आपको देता हूँ मेरी जी। ओके थैंक यू, चल ऑल द बेस्ट। हाँ आप गुदगुदी शर्मा? अरे भैया, जब होगी भुदभुदी तभी तो बोलेगा गुदगुदी। आपको कोई प्रॉब्लम है जो गुदगुदी करो तो ही आप बोलते हो? नहीं नहीं भाई, बात ऐसी है कि जब हम पैदा हुए थे ना तो बहुत रोते हुए पैदा हुए थे, बात बात पर, हर बात पर रो देते थे। तो मोहल्ले वाले मुझे चिढ़ाने लगे, बोलने लगे रोत लू जा रहा। मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इससे पहले जब कुछ भी पूछेंगे ना तो पहले इसके पेट में गुदगुदी करेंगे ऐसे, ताकि ये हर बात का जवाब हंस के दे। वैसे वैसे आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। वैसे मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, आप चाहे तो मेरी तारीफ कर सकते हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं मैं हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, गुड लुकिंग हूँ, भूत पकड़ने में नंबर वन हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब प्रीतम आप हैं। थैंक यू। वैसे आपसे सवाल पूछना था कि आप इंसान हैं या भूत? नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप इंसान हैं। आपके भाई लप्पड़ शर्मा ने एक बेवकूफ भूत भगाने वाला हायर किया है, वो मुझे कह रहा था कि आप भूत हैं। अच्छा, तो लप्पड़ भैया ने भी किसी को बुलाया है? कोई बात नहीं, देख लूंगा उसको भी। वैसे मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। एक मिनट, आप गुदगुदाइए मुझे, गुदगुदाइए। देखा, अगर मैं सच में भूत होता तो क्या आप मुझे ऐसे ऐसे गुदगुदा सकते थे क्या? नहीं ना, नहीं नहीं ना, नहीं नहीं ना, नहीं नहीं नहीं। फिर बिल्कुल सही, क्या सबूत दिया है आपने, वाह वाह। अब देखिए आपके उस लप्पड़ शर्मा को मैं कैसे बाटली में बंद करता हूँ और उस प्यारे की बोलती बंद करता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। लप्पड़ भैया, अब देखना कैसे ये आपको बोतल में बंद कर देगा, फिर वहीं बैठ के अपने आप को लप्पड़ मारना। सॉरी।
इतनी जोर का मारा थप्पड़। सॉरी सॉरी। अब जरूर बोलेगा ये लप्पड़। हाँ। वैसे थप्पड़ खा के बोलने की ये आदत बड़ी अजीब है नहीं? अच्छी है। क्या करें? बचपन में जब हम छोटे थे तब बड़ी शरारतें किया करते थे। मेरे मम्मी पापा मुझे हर 5 मिनट पर एक थप्पड़ मारते थे। बस तब से ही आदत पड़ गई। बिना थप्पड़ खाए हम कुछ बोल ही नहीं सकते। कितनी बुरी बात है। सो सॉरी। अब जरा हमारे काम की बात करें। हाँ। तो वो जो प्रीतम है ना, प्रीतम मेरा भाई, मतलब मेरा वो असिस्टेंट, छोटा मोटा असिस्टेंट, वो ऐसा सोचता है कि आप इंसान हो ही नहीं, आप भूत हो, भूत। और मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं मिलोर्ड जिससे ये साबित हो सके कि मेरे मुवक्किल इंसान है, भूत नहीं है। तो सबूत पेश किया जाए। लेकिन मैं तो बिना थप्पड़ खाए बोल सकता हूँ, मुझे क्यों पा रहा? अगर कभी किसी इंसान को भूत कहा तो ऐसे ही पड़ेगा जोरदार थप्पड़। ये है तुम्हारी बात का सबूत कि मैं नहीं हूं भूत। मैं थप्पड़ मार भी सकता हूं और थप्पड़ खा भी सकता हूं। हो गया लगता है। अच्छा 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 अच्छा। अब तो प्रीतम को ये मानना ही पड़ेगा कि आप भूत नहीं इंसान हो। प्रीतम को बाद में मनाना, पहले गुदगुदी को पकड़कर मेरे पास बोतल में बंद करके ले आओ। इस बार कुछ उल्टा हुआ ना पहले बोला। ये होता है, होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। रुक। कुछ और बोलना है? नहीं, शी वेस्ट गया ना। सॉरी। क्या हुआ? किसका क्लाइंट भूत है ये पता चला? इसका। खबरदार, जो मेरे क्लाइंट को भूत कहा तो भूत मारूंगा। मैं अभी अपने क्लाइंट को छू के आ रहा हूँ, गुदगुदी करके आ रहा हूँ, इसका मतलब वो इंसान है। ए, खबरदार, जो मेरे क्लाइंट को भूत कहा तो भूत मारूंगा। मैं अभी अभी अपने क्लाइंट को छू कर आया हूँ, उसे थप्पड़ मार कर आया हूँ, वो भूत नहीं इंसान है। तू झूठ बोल रहा है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तू अपने क्लाइंट को सही साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। एक मिनट, हर बात पे लड़ने की क्या जरूरत है? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए तुम लोग कोई सबूत लेकर आए हो? सबूत? हाँ, सबूत मिल जाएगा मैरी जी। मैं जब इसके क्लाइंट को बोतल में बंद करूंगा, अपने आप सबूत सामने आ जाएगा। सबूत लाएगा? सबूत लाने के लिए मेरे क्लाइंट के पास जाएगा? जाएगा तो सबूत लाएगा ना, मैं जाने ही नहीं दूंगा। प्यारे, मेरे रास्ते से हट जा। प्यारे, नहीं हटूंगा। प्यारे, मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा। मेरे जिसको बोली मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा। अगर तू मेरे रास्ते से नहीं हटा तो क्या कर लेगा? तो मैं मेरी जी, ये प्रीतम कहाँ गया? वो तो गया तुम्हारे क्लाइंट के रूम में। वो गया? मेरी जी, मुझे प्रीतम को रोकना पड़ेगा, नहीं तो खामखा एक इंसान को परेशान करेगा। मैं अभी गया और अभी आया, अब यही रुकना। ये भी गया। स्प्रे, स्प्रे। लप्पड़ शर्मा, आज मैं तुझे ऐसा करंट सुनाऊंगा कि जिंदगी भर थप्पड़ मारना भूल जाएगा, और उसके बाद तो इतना कमजोर हो जाएगा कि मैं तुझे इस भूत स्प्रे से छोटा कर दूंगा और इस बॉटल में बंद कर लूंगा। लग किधर है? तेरा प्लान तो मैं चौपट करके ही दिखाऊंगा प्रीतम। सॉरी। क्या हुआ?
पावर कट और इसी के साथ प्रीतम का प्लान फेल। मेरा क्लाइंट तो बच गया। शाबाश प्यारे, शाबाश। पूरब हो या पश्चिम, प्यारे इज द बेस्ट। शाबाश शाबाश, ये मेरी जी की तरफ से। शाबाश शाबाश। ये लाइट कैसे चली गई? ये प्रीतम यहाँ क्या कर रहा है? जरूर इसने कोई गड़बड़ की होगी, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अब तक तो प्रीतम अपना मुंह लटका के कमरे से बाहर भी चला गया होगा। इसे वापस लगा देता हूं। उसके पास गया, उसने मेरे को बिना हाथ लगाए थप्पड़ में थप्पड़ मारे, मेरा बुरा हाल कर दिया। कौन? अब प्लीज प्यारे को समझाइए कि उसका क्लाइंट भूत है। आप उसको बोलिए। बोलती हूँ। प्यारे कहाँ? प्यारे कहाँ? अरे वो तो तुम्हारे पीछे ही गया था ना। हे भगवान, वो मेरे क्लाइंट को पकड़ने गया है। आप इसको पकड़िए, आप इसको पकड़िए, मैं प्यारे को पकड़ता हूँ। प्यारे प्यारे, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्यारे के हाथ से आज तक कोई भी भूत नहीं बचा है, समझे गुदगुदी शर्मा? तो तुम कैसे बच सकते हो? नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पूरा भूया पश्चिम, प्यारे इज द बेस्ट। आजा 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 आजा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दिखता नहीं है, भूत तो पकड़ रहा हो? अरे भूत नहीं, इंसान है वो। चल, मेरी केस खराब करना चाहता है ना तू? जानबूझ के ऐसा बोल रहा है ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसे पकड़ के ही रहूंगा। अरे वो इंसान है, छोड़ उसको। अरे छोड़ उसको। नहीं छोड़ूंगा। सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है ना? लेकिन मैं इस बार ऐसा होने नहीं दूंगा। ये क्या कर दिया तूने प्रीतम? बिगाड़ दिया ना वैक्यूम क्लीनर, बिगाड़ दिया ना मेरा केस। चुप रह, वो भूत नहीं, वो इंसान है। अरे भूत है। नहीं बुद्धि जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़े टाइम पे आ गए भाई। अरे लेकिन तू मेरे पास तो, मेरे होते हुए तू मेरे क्लाइंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? प्रीतम मेरी बात तो सुन, तुझे पता नहीं है तू फंसने वाला है? अरे ये भूत है। अरे आप बताइए ना, आप इसको हवा में उड़ा के दिखाइए ना कुछ। उड़ा के दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। गोगी क्या बात है डार्लिंग, इतनी उदास क्यों हो? जानू मुझे हो रहा है मेरे भाई का टेंशन, पता नहीं कब मिलेगा मुझे खुशी का पेंशन। हाँ पेंशन। अरे इस तरह अगर बिगड़ जाएगा तुम्हारे शायदी का मीटर तो मैं तो बेचैनी से मर जाऊंगा डार्लिंग। जानू यहाँ मेरे भाई के बीच खाई बढ़ती जा रही है और आपको मेरी शायरी की पड़ी है। पता है मैरी का कॉल आया था, कह रही थी कि प्रीतम प्यारे के बीच में झगड़ा और भी बढ़ गया है और वो एक दूसरे के क्लाइंट्स को भूत कह रहे हैं। शीश, पता नहीं क्या करूं, कैसे समझाऊं उनको, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चिंता मत करो डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे दोनों मिट्टी के शेरों को। एक अगर करता है तो दूसरा धरता है, एक अगर बैंगन है तो दूसरा भरता है,
एक अगर पजामा है तो दूसरा कुर्ता है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सो डोंट वरी, बहुत जल्द दोनों एक साथ हो जाएंगे। सच जानू? 16 आने सच।